हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा दोस्तों आज आपको मेरे चेहरे पे कुछ मतलब स्माइल ही नज़र आ रही होगी, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि हमारा थंबनेल में आपने देख ली होगी, क्योंकि हमारा जो हेरिटेज सुसेक्स का दोस्तों हमने न्यू पेयर लाया था 5K पे। मैंने सोचा था दोस्तों कि न्यू एंट्री करूंगा और हमारे सेटअप पे मतलब इतना अच्छा पेयर आया था, शायद दोस्तों मेरी अपनी ही नज़र उसको खा गई और हमारी फीमेल दोस्तों अब नहीं रही, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और मेल दोस्तों हमारा इतना भी एक मतलब पागल हुआ हुआ है, क्योंकि ये बचपन में साथ पले थे, जहाँ से मैंने लाए थे वो बचपन में उनके पास हैचिंग हुई थी। हेरिटेज था दोस्तों, अच्छा पेयर था, लेकिन नज़र लगी जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में बता रहा था कि ये फीमेल मुझे सुस्त लग रही है। रात को मेडिसिन उसको दी, सुबह वो आया तो केज में दोस्तों एक्सपायर थी। सुबह हालांकि मेरे हाथ में थी दोस्तों उसकी मेडिसिन, लेकिन वो पिंजरे में बिल्कुल एक्सपायर थी। अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। और मेल को दोस्तों आपको यहाँ से दिखाता हूँ, मेल इधर उधर भाग रहे और चारों तरफ फीमेल को ढूंढ रहे, लेकिन फीमेल अंदर दोस्तों एक्सपायर थी, मैंने कैच के ऊपर रखी है, वो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों आपको दिखाने से पहले मैं ये हमारी हैरी ने अंडा दिया हुआ है तो इसको थोड़ा उठा लूँ। ये देखिए मेल दोस्तों किस तरह अंडे के ऊपर, मुझे शक आ रहा है ये मेल भी दोस्तों शायद अंडे तोड़ता हो, मतलब मेल अक्सर यहाँ पे अंडे पे क्रैक पड़ा होता है, जैसे कि आपने अभी देखा अंडे पे हल्का हल्का क्रैक लगा रहा था, लेकिन अंडा बच गया दोस्तों। अंडे को मैं इधर रख लेता हूँ, बल्कि बच भी गया, मुझे लग रहा है ऐसे था दोस्तों कि क्रैक है, लेकिन अंडा माशाल्लाह से बच गया। तो दोस्तों इस तरह तो मतलब मैं अपने आप को भी तसल्ली दे रहा हूँ कि खैर होता रहता है, ऐसे होता है, क्योंकि मेरे साथ दोस्तों ऐसा एक बार पहली दफ़ा नहीं हो रहा। मतलब पहले आपको पता था सब्राइट का दोस्तों मेल, इसकी फीमेल थी, एक्सपायर हो चुकी थी। वाइट मेल जो हमारा टाइगर था उसकी फीमेल थी, वो एक्सपायर हो चुकी थी, और वो भी सेकंड दिन दोस्तों। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ, सेकंड दिन इसकी फीमेल एक्सपायर, वाइट मेल का उसकी सेकंड एक्सपायर। अब ये थर्ड दफ़ा हो रहा है कि हमारा हेरिटेज का इतना खूबसूरत पेयर और फीमेल अचानक से एक्सपायर, तो समझ नहीं आ रही दोस्तों कि क्या हो रहा है। मतलब नज़र ही लग गई है, क्योंकि हमारे सेटअप पर अल्लाह ना करे कोई बीमारी थी नहीं, तो मौसम चेंज हुआ, उसको अचानक से कुछ हुआ और सुबह वो एक्सपायर थी। वो अभी देखें दोस्तों, माशाल्लाह से हमारे ब्लैक टेल जैपनीज़ ने अंडा दिया हुआ है और काफ़ी वो अंदर भूरे में अंडा आया हुआ है। इस तरफ कुकू की फीमेल ने भी अंडा दिया हुआ है और आगे हमारा मेल खिला हुआ है। उस दिन दोस्तों इन्होंने अपना अंडा तोड़ा हुआ था और मैंने दोस्तों उनका छिलका उठा के यहाँ पे रखा था। ये देखें सारा छिलका यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैंने नीचे नहीं फेंका कि हमारी मुर्गियों को आदत ना पड़ जाए, अगर आदत पड़ गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अभी दोस्तों इनके अंडे तो मैं बाद में आके उठा लूँगा, तो दोस्तों वो वाली जो हमारी फ़ीमेल है जो एक्सपायर हो चुकी है, वो भी हमने क्योंकि आज हमने दफनानी है। मुझे इतना दुख दोस्तों किसी बर्ड का नहीं हुआ, इसका अच्छा भला पेयर में इतने शौक से मैं, मुझे इंतज़ार था सुबह उठूंगा कि केज में अंडा ना पड़ा हो, तो सुबह अचानक से मैं देखो और इतना भी मुझे दुख हुआ कि हमारी दोस्तों वो फ़ीमेल जिसका अभी तक हमने अंडा तक नहीं देखा, बल्कि मैंने उनको अच्छी तरीके से दोस्तों देखा भी नहीं था, उनको पेयर लगता, मतलब एक शौक होता है जो बर्ड रखता है। तो दोस्तों मेरा शौक तो शुरू में ही ख़त्म हो गया था, मतलब शुरू में ही वो फ़ीमेल एक्सपायर हो गई है। तो दोस्तों अब आप क्या कहते हैं कमेंट में मुझे बताइएगा, क्या इसकी दूसरी फीमेल लाई जाए या इस मेल को हम सेल कर लें, तो मतलब मेल को एक्सचेंज करते हैं या सेल करके कोई और ब्रीड लाते हैं। तो जैसे आप दोस्त बोलेंगे, मतलब मुझे अब समझ नहीं आ रही क्या करूँ, फीमेल एक्सपायर हो गई है, मेल पागलों की तरह घूम रहा है, तो मुझे लाजमी बताएं कमेंट करके, मेल को दोस्तों दे दें कोई न्यू पेयर लाएँ या इसके साथ कोई और फीमेल ला दें। तो मतलब मेल तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, तो हैकर को दोस्तों अपने सेटअप से इसको बाय बाय कहने का टाइम आ गया। आप दोस्त भी क्या कहते हैं कमेंट में, कोई भी फ़ायदा नहीं है, जो हमारी हैरी है और शेरनी है वो शेरू के साथ लगी रहेंगी, तो इंशाल्लाह उसके बच्चे भी आएंगे और उसको रख देंगे। तो देखिए आप मेल बाहर अजाने दे रहे हैं और काफ़ी मतलब फ़ीमेल को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बाहर चलते हैं, आपको फ़ीमेल दिखाते हैं जो एक्सपायर हो चुकी है और फिर उसको बाहर जाके दफनाते हैं। काफ़ी दिल उदास है दोस्तों, लेकिन कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या इसकी फ़ीमेल लाई जाए या मेल को दे दिया जाए, तो लाजमी मुझे बताइएगा। जैसे आप दोस्त बोलेंगे दोस्तों वैसे ही करेंगे। तो बाकी हमारा देखें ज़ूम्बी, इसको भी दोस्तों नीचे वाले सेटअप पर लेके जाते हैं, बस क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, इंशाल्लाह इसको नीचे लेके जाएंगे। सैड तो मैं हूँ, लेकिन अब बाकी परिंदों के साथ खुश तो रहना हमने, खुश तो हमें रहना होगा। तो दोस्तों अब जल्दी से बाहर चलते हैं, हमारा परिजात भी बाहर होके देख रहा है, ऐसे कुछ धूप का साया लग रहा है, लेकिन हम इन्हें बाहर नहीं छोड़ेंगे अभी, क्योंकि बाहर का कन्फर्म पता नहीं है कि क्या फीमेल, उस फीमेल में कोई ऐसी बीमारी थी जो सबको लगने वाली है। तो उसको जल्दी उठाते हैं दोस्तों और बाहर लेके जाके उसको दफना लेते हैं। जी दोस्तों मैं बाहर आ गया हूँ और मेरी आँखें खुल नहीं पा रही है, एक तो सूरज की डायरेक्ट दोस्तों जो है रोशनी मेरी आँखों में पड़ी है, लेकिन दोस्तों आप दोस्तों को बताऊंगा और मुझे ऐसा लग रहा है आप दोस्त समझ गए होंगे, रो रहा है, तो रोना तो दोस्तों दिल से मुझे आ ही रहा है कि क्योंकि हमारी फीमेल अचानक से एक्सपायर हो गई है। एक बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है, क्योंकि हमने अभी तक दोस्तों इसकी ब्रीड नहीं देखी, अंडा नहीं देखा था, मुझे
ये सिर्फ ये दोस्तों मुझे है कि फीमेल तो एक्सपायर होगी है, चले अल्लाह की तरफ से एक्सपायर है, लेकिन अंडा दोस्तों एक निशानी दे देती तो मुझे इसके मतलब मेरा शौक पूरा हो जाता और आप दोस्तों का शौक पूरा हो जाता। ये देखें दोस्तों हमारा मेल काफ़ी ज़्यादा इधर उधर मास्टर टेंट के चारों तरफ दोस्तों राउंड लगाता है और फीमेल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी अभी फीड डालिए, देखें आप बुलाता है, बार बार बुलाता है, लेकिन फीमेल दोस्तों नहीं आ रही क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्योंकि दोस्तों ये साथ बड़े हुए थे दोनों, मतलब साथ हैच हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा आदत थी इसको। आप देखें आप इस तरह से यहाँ पे दोस्तों जब मैं सुबह आया था तो हमारे मतलब इधर अंदर मैं समझता था कि फ़ीमेल को निकालूंगा और शायद उसने अंडा दिया हो, शायद वो ठीक हुई हो तो हम उसे थोड़ा सा मतलब उसे थोड़ी सी दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा ना हुआ। सुबह आया तो फीमेल उधर एक्सपायर पड़ी थी और वो ऊपर देखें दोस्तों फीमेल आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर फीमेल है और बिल्कुल मतलब एक्सपायर हो चुकी थी। तो अचानक ही दोस्तों देखें आप बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सोई हुई है और अभी उठ के खड़ी होगी और शोर करेगी अंडा देगी, लेकिन दोस्तों ऐसा ना हो सका। तो आप दोस्त भी कमेंट में बताएंगे क्या दोस्तों इसके लिए एक और फीमेल लाऊँ, इसी तरह की फीमेल हो लाऊँ और दोबारा से हम ब्रीड लें, क्या इस मेल को दोस्तों हम हटा के एक्सचेंज करके कोई और नया पेयर ले आएँ, तो लाजमी मुझे बताइएगा दोस्तों। अब ज़्यादा हम देर भी नहीं करते क्योंकि यह ना हो कि ये जो बीमारी हो कि हमारे अंदर मास्टर ट्रेंड में चली जाए या इस मेल के साथ मतलब कुछ बीमारी आ जाए। तो दोस्तों अब जल्दी से इसको उठाते हैं और बाहर चलते हैं, इसको दफनाते हैं और फिर मैं आपसे दोबारा आके बातचीत करता हूँ। तो मैं अंदर आ चुका हूँ क्योंकि आप मैंने सोचा आप दोस्तों को यहाँ की भी थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। दोस्तों दिल आज काफ़ी ज़्यादा उदास है, अभी जब मैं दफना के आ रहा हूँ अपनी सुसिक्स हेरिटेज की फीमेल को तो दिल इस तरह डूबा डूबा से जा रहा है कि मतलब परसों वो जिंदा थी, हमने परसों पेयर लाया था और पहला अंडा नहीं देखा, मतलब सही तरीके से चलते हुए नहीं देखा था, शाम हो गई थी, बंद किया था, सुबह वो दोस्तों एक्सपायर हुई थी, खैर हमारे नसीब में नहीं थी दोस्तों। इंशाल्लाह आप दोस्त क्या कहते हैं कमेंट में लाजमी बताइएगा कि क्या न्यू फीमेल लाई जाए या मेल को हटाया जाए, लाजमी बताइएगा। तो दोस्तों अभी अभी इधर आया हूँ तो इधर आप देखें माशाल्लाह से दोस्तों एक अंडा अंदर पड़ा हुआ है, बल्कि दो अंडे हैं दोस्तों, एक पीछे अंदर आपको दिखा भी लेता हूँ, माशाल्लाह से दोस्तों दो अंडे हैं और यहाँ पे दोस्तों हमारी एक फीमेल क्लॉक हुई हुई और अंडों को दोस्तों इंक्यूबेट करती है, जो दो न्यू अंडे दूसरी फीमेल देती हैं, जिसमें हमारे पास एक ये फीमेल दे रही है, शायद एक वो खुद जो देती है आहर आहर से क्लॉक होने पर आई है। ये देखें ये वाली फीमेल है दोस्तों और आवाज़ से भी दोस्तों आप खुद भी पहचान सकते हैं, ये देखें इसकी जो हल्की हल्की टक 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 कर रही है, ये अनकरीब दो अंडे देगी और फिर क्रोक हो जाएगी। तो दोस्तों इसका भी मुझे बताइएगा क्या हम इसको इधर ही क्रेट के अंदर अंडों पे बैठा लें, मौसम भी बड़ा अच्छा मौसम है और ये चिक्स भी निकालेगी और इसके साथ हम इजाफी चिक्स भी इसको देंगे। वो तो हम मेरा शुरू से इरादा है कि जो जो फीमेल जितने निकालेगी उसको मतलब उसकी हाइट के मुताबिक उसके मतलब संभालने के मुताबिक हम उसको उतने चिक्स देंगे। ये देखिए आप माशाल्लाह से बड़े साइज़ की हेवी बफ है और चिक्स, इंशाल्लाह इसके नीचे अंडे रखें ना रखें लाजमी कमेंट में मुझे वो भी बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे गोल्डन मिस्त्री देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि भाई गोल्डन मिस्त्री दिखाया करें, गोल्डन मिस्त्री दिखाया करें। ये देखें हमारा गोल्डन मिस्त्री का दोस्तों ये मेल, ये सात फीमेल, वो दो फीमेल, मतलब माशाल्लाह से एक फीमेल, ये काफ़ी ज़्यादा फीमेल इधर है और काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों बड़े हो रहे हैं। बस अब इंतज़ार है कि कब इनके अंडे आएंगे। तो दोस्तों आज के सेट ये सेट ब्लॉग है दोस्तों, इसका एंड भी बड़ी मुश्किल से है, मुझे मतलब क्या बोलूँ आपसे कि यही कुछ नसीब में लिखा था और यही कुछ हमारे साथ हो गया। तो लाजमी मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट क्या किया जाए, तो दोस्तों वैसे ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि पसंद तो दोस्तों ऐसे ही क्योंकि सेट ब्लॉग था। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल फैंसी हैंड ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाते रहें ताकि हम मजीद न्यू ब्रीड्स लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।